वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है आईटी वाले बच्चों की तरफ से कि सर, ये जो हिंदुस्तान न्यूज़ प्रिंट लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप निकली हुई है, प्लीज़ आप इसकी अपडेट हमारे साथ शेयर कर दो। तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि आईटी वाले बच्चों का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे लगता है कोई भी वैलिड या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या नौकरी या अप्रेंटिसशिप आपके लिए आती है तो वो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। तो आज जो मैं अप्रेंटिसशिप की जानकारी लेकर आया हूँ, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने आईटीआई फिटेड में किया हुआ है और ये भी एनसीवीटी में होना चाहिए। अगर आपने एससीवीटी में आईटीआई किया हुआ है या एनसीवीटी में आईटीआई किया हुआ है अदर ट्रेड में, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दो वीडियोस दे रखी है, दोनों रेलवे की, एक नागपुर की और एक रायपुर की। तो दोनों वीडियोस देखें, दोनों वीडियोस के फॉर्म्स अभी अवेलेबल हैं, आप जो है फिल कर सकते हैं। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इसका 2 साल का होगा, 2 साल की अप्रेंटिसशिप होगी। क्वालिफिकेशन आपके आईटीआई फिटेड ट्रेड में 55% मार्क्स होने चाहिए तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। एज आपके 18 से 25 साल होने चाहिए, वो भी 1 अगस्त 2018 को कैलकुलेट की जाएगी। एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अब ये आपको हायर करेंगे बॉयलर अटेंडेंट के तौर पर। नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 है। 8/9/2018 को आपके लिए रिटन टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, बस नॉर्मल सा रिटन टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो आपके जितने भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी आपको मैं बता दूंगा, तो वो जो है आप अपने साथ तैयार रखें। क्वालिफिकेशन आपके पास जो है आईटीआई क्लियर होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया फिटेड ट्रेड में और एनसीवीटी में। अगर आपने एससीवीटी में किया हुआ है तो मैंने आपको बता दिया कि दो वीडियोस देखिए, उसमें जो एससीवीटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग 2 साल की अप्रेंटिसशिप होगी। पहले साल आपको हर महीने 6,250 रुपये दिए जाएंगे और दूसरे साल आपको हर महीने 7,000 रुपये दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये आप पढ़ लेना, मैं आपको जो डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। तो आपका जो है 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट होता है जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखी रहती है वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको लेकर जाने पड़ेगी, ओरिजिनल और फोटोकॉपीज भी। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है वो भी सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें, ये आप एक बार देख लेना। एक इंपॉर्टेंट आप बता दूँ, जिन बच्चों ने पहले अप्रेंटिसशिप कर रखी है, 1961 का अप्रेंटिसशिप का एक्ट होता है उसके अंडर, तो वो जो है इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा तो वो आप देख सकते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि आपके क्या क्या टॉपिक्स इन्होंने जो है रिटन एग्ज़ाम के लिए रखे हुए हैं। तो ये जो है प्रॉपर तरीके से आप एक बार देख लेना। आगे बढ़ते हैं, ये इसका बायोडाटा वाला फॉर्म है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तीसरा लिंक होगा। आप इस बायोडाटा को डाउनलोड करना और इसका जो प्रॉपर तरीके से इसे फिल करके डायरेक्टली रिटन टेस्ट में चले जाना। भाई मैं ये नहीं बोलूँगा कि अदर स्टेट के बच्चे इसके लिए जाएं, मैं यही बोलूँगा कि जो बच्चे केरला कोतायम में रहते हैं वही इसके लिए जाएं। ये प्रॉपर एड्रेस जो है दे रखा है गिवन यहाँ पर, और अगर आप अदर स्टेट से, तो मैंने 2 वीडियोस आपको रेलवे की दे रखी है, आप जो है उसका फॉर्म फिल करें, यहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा खुद का थॉट है भाई, आप मत जाओ, यही बोलूँगा, सिर्फ यहाँ पर वही बच्चे जाएँ। ये कोतायम डिस्ट्रिक्ट केरला, और ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने एड्रेस की दे रखी है। अगर कोई डाउट है तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर अवेलेबल है, मैंने इनको कॉन्टैक्ट किया था लेकिन इन्होंने जो है मेरा रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे रिस्पॉन्स, इन्होंने कहा कि कल 9 बजे फ़ोन करना मुझे। तो अगर आपको कोई नीड है, कोई जानकारी चाहिए तो इनको कल 9 बजे आप फ़ोन कर लेना। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन वैलिड लगी होगी। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मुझे पता है आपके जो है रिप्लाई नहीं मिल रहे हैं आपको, क्योंकि आपको पता है यार एक दिन में 1,000-1,500 कमेंट आएंगे तो कैसे पॉसिबल होगा मैं सबका रिप्लाई कर सकूं। इसलिए आपको पता है कॉल मी फोर ऐप से मुझे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल मी फोर ऐप पर जाकर आप सिर्फ ऊपर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान लिखो, आपको मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी, आप मुझे डायरेक्टली वहाँ से कॉल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो सही लगी तो उन बच्चों के साथ शेयर कर देना जो केरला में रहते हैं। और भाई एक और बात बताऊं, यहाँ पर कुछ बच्चे सोचेंगे कि केरला में तो बाढ़ आ रखी है यार, वहाँ पे कैसे ये प्रोसीड करेंगे। तो भाई क्या पता ये ऐसा एरिया हो जहाँ पर बाढ़ नहीं हो, इसलिए जो है इन्होंने वैकेंसी निकाली है, तो इसकी चिंता ना करो। और अदर स्टेट वाले बच्चों को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, सिर्फ यहीं के बच्चों को रिकमेंड करूँगा कि वो इस अप्रेंटिसशिप के लिए जाएँ। धन्यवाद।